उद्यम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने का मामला सामने आया है। बड़ियोवाला ग्राम निवासी साजिद हुसैन ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि निवार मंडी गांव निवासी सूरज सिंह, विद्या देवी, सुरेंद्र चौहान, दिनेश कुमार और अन्य लोग भारतीय नारी रक्षा सेना संस्था चलाते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये लोग इस संस्था की आड़ में ब्लैकमेलिंग और सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी कर फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने का काम है। इस मामले पर क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि जशपुर क्षेत्र के ग्राम बड़ियोवाला निवासी एक युवक द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और सरकारी नौकरी का लाभ लेने का एक रैकेट चलाते हैं, जिसको लेकर SSI अनिल जोशी द्वारा जांच की जा रही है। इस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जसपुर क्षेत्र में बड़ियोवाला के ग्राम प्रधान है, इनके द्वारा कुछ लोगों पे एक आरोप लगाया गया और एक प्रार्थना पत्र दिया गया थाने में, जिसके आधार पर एक 5-6 लोगों का एक ग्रुप है जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर कुछ सरकार से लाभ लेना और उसके अलावा सरकारी नौकरी में भी लाभ देने का ये लोग कुछ इस प्रकार का रैकेट चलाते हैं, ये कुछ शिकायत की गई है। इसकी जांच हमने SSI अनिल जोशी को दी है जसपुर थाने में और इसमें कुछ शिक्षा विभाग से भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और इसके जैसे ही जाँच सम्पन्न होती है जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगी। नाम साजिद हुसैन है, ग्राम शिकायत यह है जो सूरज है उसके कुछ साथी जो हैं लोग वो फ्रॉडवर्दी का काम करते हैं और एक लड़की जो इस टाइम मौजूदा वो है नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स नकली बना रखे हैं उन्होंने और उसका जो है सरकार से लाभ लिया जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि उन पर जो है कार्रवाई करी जाए, प्रशासन से ये हमारी मांग है। फिर यहाँ पे अपने जसपुर थाने में तारीफ दी है उन्होंने।